नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ईडी के पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। तो वही दूसरी तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने बंगाल हिंसा को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की। तो वहीं अब इलेक्शन कमीशन ने सर्वदलीय बैठक भी हिंसा के मामले को लेकर बुलाई है। आखिर क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिषेक बैनर्जी की। तो सीएम ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अभिषेक बैनर्जी को ईडी ने 13 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है और ऐसे में शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में अभिषेक से पूछताछ होनी है। लेकिन अभिषेक कह रही है कि उनके पास ऐसी पूछताछ के लिए अभी वक्त नहीं है और ना ही वह किसी के गुलाम है। ऐसे में ईडी क्या करेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पूछताछ में सहयोग नहीं करने के चलते ईडी उनके खिलाफ बड़ा एक्शन भी ले सकती है। आपको बता दें कि टीएमसी के महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी इन दिनों पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। तो उधर करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में सीबीआई के बाद अब ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए ईडी ने अभिषेक को 9 जून का समन भेजा था। समन में कहा गया कि अभिषेक बैनर्जी 13 जून यानी आज ईडी से सॉल्टलेक स्थित दफ्तर में पेश हो, लेकिन अब वो नहीं जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जब से कि पंचायत चुनाव की बात ही हो रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा की निशित प्रमाणिक ने, जो कि गृह एवं युवा मामले और खेल राज्य मंत्री है, जिन्होंने ये कहा है कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप यहां सुनिए। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डिक्लेयर करने से पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग करके उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर करना चाहिए था, क्योंकि यही तरीका है। आज तक जितना भी चुनाव हुआ है, आज तक जितना भी इलेक्शन हुआ है, चाहे वो थ्री टायर पंचायत चुनाव हो, चाहे वो आपका विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, वहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग ही पहले बुलाए जाते हैं, उसके बाद चुनाव का डिक्लेरेशन होता है। लेकिन इस बार हम लोगों को ये दिखाई दिया कि पहले इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद सभी पार्टी मिलकर जब कोर्ट में गया, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को बंगाल में निरपेक्षता के साथ काम करना चाहिए, और जिस तरह से सब लोगों के साथ, यानी बहुत सारा फोटोस और तस्वीरें दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का पूरा एकदम निष्पक्षता के साथ पूरा चुनाव को करवाना चाहिए, और जिस तरह से बंगाल में, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर उपनिर्वाचन हो, उसके बाद जिस तरह से एक के बाद हिंसा का घटना हुआ है, मुझे लगता है इस चुनाव से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए था कितने दफ़ा में इलेक्शन हो, कितने दिन नॉमिनेशन सबमिट का डेट करना चाहिए और कितना दिन नॉमिनेशन विड्रॉल का डेट रखना चाहिए। ये सभी जो है पहले ही सिद्धांत ना लेके, बल्कि सभी पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सबके साथ सिद्धांत लेने के बाद इलेक्शन कमीशन को ये डिक्लेयर करना चाहिए था। पंचायत चुनाव जैसे ही आएगा, तृणमूल कांग्रेस पूरा ताश की घर जैसा टूट पड़ेगा, और वही उसका ही शुरुआत हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि अपना जमीनी स्तर पर जो अपना समर्थन है उसको ना मिलने के वजह से तृणमूल कांग्रेस ने दूसरा जो रणनीति है वो अपनाया है। पुलिस को एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ तृणमूल का गुंडे, जहां पर तृणमूल का कोई समर्थक नहीं है वहां पर पुलिस जाकर जो है जो BDO ऑफिस है जहां पर नॉमिनेशन सबमिट करना है, फॉर्म भरना है, वहां पर जाकर 144 लगा देता है, तो कहीं पर जाके गेट बंद कर देता है। और जहाँ पर उनका समर्थक होता है, वहाँ उनका समर्थक जो है लोगों को जो है कि नॉमिनेशन सबमिट करने के लिए रोकता है। तो यह देखने को मिल रहा है बंगाल की लोगों को कि तृणमूल कांग्रेस किस तरह से अपना जमीनी स्तर पर का जो समर्थन है वो खोने के बाद पूरी तरह से पागल हो चुका है। अभी पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रहा है, जिस घिनौना राजनीति करने का कोशिश तृणमूल कांग्रेस कर रहा है, मैं इसका कड़ी भाषा से निंदा करता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि इसी को इलेक्शन डिक्लेयर करने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग जो है कर दी चाहिए थी, क्योंकि यही तरीका है।
आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो थ्री टायर इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, वहां पर ऑल पार्टी मीटिंग ही पहले की जाती है और उसके बाद चुनाव की घोषणा होती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि पहले इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, उसके बाद सभी पार्टी मिलकर जब कोर्ट में गई तब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया। आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बंगाल में निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। बहुत सारा फोटोज और विजुअल सामने आया है। इलेक्शन कमीशन को निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाना चाहिए बंगाल में, और विधानसभा चुनाव या फिर इस चुनाव से पहले जिस तरीके की हिंसा की घटना हुई है, चुनाव आयोग को पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना बहुत जरूरी था और उसके बाद उन्हें डिसीजन लेना चाहिए था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पंचायत चुनाव जैसे ही आएगा टीएमसी ताश के पत्ते की तरह टूट जाएगी और इसी की शुरुआत अब हो रही है। और जाहिर है कि जमीन पर समर्थन नहीं मिलने की वजह से टीएमसी अपना दूसरा रणनीति अपनाया है, जहां एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ टीएमसी के गुंडे हैं। जहां पर भी टीएमसी समर्थक नहीं है वहां पर पुलिस जाकर 144 लगा देते हैं या नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तो गेट बंद कर देती है, और जहां पर उनका समर्थक है टीएमसी के वो लोग दूसरे को नॉमिनेशन भरने नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि जनता देख रही है कि कैसे जमीन पर अपना समर्थन खो जाने के बाद टीएमसी पागल हो गई है, और अभी पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह की राजनीति टीएमसी करने की कोशिश कर रही है, घिनौनी राजनीति कर रही है, उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। वही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से सारी चीजें सामने आई है, जिस तरीके से अब ये मामला जो है सुर्खियां बटोर रहा है, यही नहीं अब पंचायत चुनाव से पहले जो है बंगाल में हिंसा का दौर देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा का दौर शुरू हो गया है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे और इसके लिए उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। बीते दिनों नामांकन के दौरान राज्य में कई जगहों पर हिंसा हुई। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दलों ने इस हिंसा के लिए ममता पार्टी की तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का भी कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग पर कुछ नहीं कर पाने का आरोप लगाया। भाजपा के अलावा कांग्रेस और वाम दलों ने राज्य में पंचायत चुनाव केंद्रीय बलों की देखरेख में कराने की मांग की। विपक्षी दलों की शिकायत के बाद राज्य चुनाव आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा करेंगे। सिन्हा ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को आज इस बैठक में जो है बुलाया गया है, और इस बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था, दलों की चिंताओं और उनकी मांग पर चर्चा होगी। बता दें कि अज्ञात उपद्रवियों ने विपक्षी नेताओं पर कथित तौर पर उस समय हमला किया जब वे पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक दासपुर यानी पश्चिम बंगाल मेदिनीपुर में, कागदीप यानी दक्षिण 24 परगना में, रानी नगर यानी मुर्शिदाबाद में, शक्ति नगर और बुशेल यानी दोनों पूर्व वर्धमान में, और मीना खान यानी उत्तर 24 परगना में झड़प की सूचनाएं मिली। उन्होंने भी बताया कि एक अन्य घटना में बांकुड़ा जिले के सोनामुखी में भारतीय जनता पार्टी विधायक दिवाकर धारामी पर अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर उस समय हमला किया जब वो नामांकन केंद्र की ओर जा रहे थे। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी दलों पर चुनाव में देरी कराने और हार के डर से राज्य की छवि को धूमिल करने के लिए गठजोड़ करने का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर विपक्षी भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों को टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा विभिन्न जिलों में नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया है। इन दलों का कहना है कि केंद्रीय बलों की तैनाती के बिना राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होना असंभव है। तो ऐसे में बंगाल के, आपको बता दें कि पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, वर्धमान और उत्तर 24 परगना में झड़प की सूचनाएं मिली है, और इस सूचना के हिसाब से यह बात सामने आई है कि किस तरीके से इस वक्त चुनाव से ठीक पहले हिंसा का माहौल जो है तृणमूल कांग्रेस की वजह से बंगाल में व्यापक तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, दोनों समय से जो है अपना पक्ष बचाने का प्रयास तृणमूल कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, तो जमीन पर विफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस वक्त बंगाल का माहौल है, और पंचायत चुनाव से पहले किस तरीके की बयानबाजी जो है पक्ष विपक्ष द्वारा की जा रही है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।